गया में साइबर ठगी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 5 शातिर साइबर ठगों को धर दबोचा गया। इन आरोपितों से पुलिस ने पूछताछ की, उसमें चौंकाने वाला खुलासे सामने आए हैं। इस दौरान आरोपितों के पास से मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए। आरोपितों में शामिल विशाल मंडल फ्रॉड के साथ ठगों के लिए महाजनी का काम करता था। गया साइबर थाना पुलिस छापेमारी के दौरान 5 शातिर साइबर ठगों को धर दबोचा। इन आरोपितों से पुलिस से पूछताछ में जो खुलासे हुए वह चौंकाने वाले। ये सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं और बिहार के अलावे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी ठगी कर चुके हैं। साथ ही इन दोनों पर निशानदेही पर 3 और शातिर साइबर ठग, जिसका नाम अमन कुमार जिसे पटना से, मोहम्मद आताब अख्तर जिसे नालंदा से और एक अन्य राहुल कुमार को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया है। गया पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले वर्ष यहाँ पर साइबर थाने का भी शुभारंभ किया गया है। पिछले वर्ष एक कांड दर्ज हुआ था, साइबर थाना कांड संख्या 48/23, जिसका पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा था, जिसमें जो वादी है उनके द्वारा यह आवेदन दिया गया था उनकी उनके अकाउंट से 2,45,000 रुपये साइबर अपराधियों के द्वारा अवैध रूप से उसको निकासी कर ली गई है। इस संबंध में साइबर थाना कांड संख्या 48/23 दर्ज किया गया था तथा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में यह अनुसंधान क्रम में यह जानकारी मिली कि वादी के अकाउंट से जिस अकाउंट में IMPS के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया गया है, उक्त अकाउंट का धारक गुरारू थाना अंतर्गत ग्राम बहबलपुर का है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा साइबर थाना की पुलिस तथा टिकारी अनुमंडल के गुरारू थाना एवं अन्य टिकारी थाना एवं अन्य थाना की पुलिस के द्वारा जब वहाँ पर रेड किया गया तो 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी वहाँ पे गुरारू थाना क्षेत्र से की गई, जिनका नाम है सिद्धार्थ कुमार तथा संदीप कुमार। ये दोनों ग्राम बहबलपुर के रहने वाले हैं और इनकी निशानदेही पर 3 अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अमन कुमार जो कि पटना का रहने वाला है, खाजे कला का, मोहम्मद महताब अख्तर जो कि नालंदा के सिलाव का रहने वाला है, लेकिन इसका जो